वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। आज के इस वीडियो में देखने वाले एसएससी की एग्ज़ाम कौन सी होने वाली है, कौन सी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि एग्ज़ाम डिले होगी या तो पोस्टपोन्ड होगी, क्या तो एग्ज़ाम कैंसिल होगी। तो कौन कौन से एग्ज़ाम कैंसिल होगी देखने वाले दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या तो कैंसिल होगी या तो डिले होगी, क्योंकि कोरोना के केस डेली इंक्रीज हो रहे हैं। इससे को ध्यान में रख के एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले थे, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई, एसएससी ट्रेनोग्राफर, सब एग्ज़ाम को अभी तक हाल फिलहाल डिले रखा है और एसएससी सीजीएल को पोस्टपोन कर दिया। टीयर वन की एग्ज़ाम हुई थी और एसएससी की टीयर टू की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी है, क्योंकि कोरोना की वजह से। एसएससी सीपीओ, उसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, एसएससी एमटीएस और एसएससी जेई, एसएससी जेई सबकी जो नोटिफिकेशन आई है, इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करने का कहा, अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कहा। बट मेरे को ये लगता है, क्योंकि कोरोना के केस डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में, जेई और नीट की एग्ज़ाम को भी अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करने वाले थे, बट डे टू डे केस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए जेई और नीट के एग्ज़ाम को सितंबर में कंडक्ट होने वाली है। तो एस एस सी सीजीएल तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, एस एस सी सीपी हो, एस एस सी एमटीएस हो, एस एस सी जी, सब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए सितंबर में। इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। डेली एसएससी की जो अपडेट आती है, सब गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है, मैं इस वीडियो में अपलोड करता हूँ। हाल फिलहाल एसएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रही। बाकी जितनी मेडिकल एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मेडिकल नर्स हो, डॉक्टर हो, सबकी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो हाल फिलहाल एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, सब एग्ज़ाम को हाल पूर्ति मौकूक रखा गया है। इसलिए डू प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है और एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है सितंबर के, तो आपके पास पूरे के पूरा एक महीना है, पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो और एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हो।